जब आपकी बाइक की हेड की जो वॉल गाइड होती है वो कट जाती है, तो ऐसे में आप जो है अलग अलग स्पेयर पार्ट पर गाइड को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसे में आपको वॉल गाइड नहीं मिलती। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जैसे कि आप एक मैकेनिक हो या फिर आप कस्टमर हो, तो ऐसे में आपने जो हमारे खराद वाले होते हैं इनके पास आ जाना है। तो इनके पास हर प्रकार की गाइड मिल जाती है। तो जैसे कि ये गाइडें हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पर ये गाइडें हैं, ये हीरो बाइक की हैं। तो ऐसे में देखिए, जैसे कि हमारी TVS विक्टर न्यू मॉडल का ये हेड है जिसके अंदर ये तीन वाल्व होते हैं, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। तो ये कुछ ऐसी बाइक होती है जिनके जो है मार्केट में प्रॉपर सामान नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर देखिए, जो दोनों इसके इनटेक वाल्व हैं, जो दोनों छोटे वाल्व होते हैं ये इनटेक हैं और बड़े वाला वाल्व इसमें एग्जॉस्ट है, तो दोनों इनटेक तो बिल्कुल ओके हैं। लेकिन जो ये इसका बड़ा वाल्व, ये इसका एग्जॉस्ट होता है, तो यहाँ पर ये काफ़ी कट चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो इसकी गाइड है ये कट चुकी है और यहाँ पर आपको ये काफ़ी दिख रही होगी, देखिए इसमें कितनी ज़्यादा प्ले हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर जो ये एग्जॉस्ट की गाइड होती है इसको यहाँ पर लगवाना है। अब किस तरीके से लगवाएंगे ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो ऐसे में होता क्या है, जब ये यहाँ पर इतनी प्ले हो जाती है तो ऐसे में हमारा वाल्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, कि जैसे कि हमारी टैपिट बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो टैपिट का आपका क्लियरेंस सही है या आपने क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि उसके गैप को कम कर भी दिया, तब भी यहाँ पर जो है ये आवाज़ आती है। तो ऐसे में ये इसकी गाइड कट जाती है और यहाँ पर इसको लगाने के लिए हमने जो है खराद वाले के पास आना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो है मेन पॉइंट इसमें ये है कि जब आप खराद वाले के पास आएँ, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको हेड में गाइड लगवानी हो तो यहाँ पर आप खराद वाले के पास आ जाएँ, तो खराद वाले के पास आपको हर तरह की ये गाइड मिल जाएगी। तो आज यहाँ पर देखिए, जो हमारी TVS विक्टर न्यू मॉडल है इसका जो ये तीन वाल्व वाला हेड है, तो इसमें गाइड किस तरीके से लगाते हैं ये आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिंद्र कौशल और आप देख रहे हैं आप एक अपना YouTube चैनल योर बाइक मैकेनिक। तो यहाँ पर इसकी जो वाल गाइड होती है इसको निकालने के लिए यहाँ पर अलग अलग, तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी गाइड है यहाँ पर ये कितनी इसकी लंबी है, पतले वाल थोड़े होते हैं इसके, तो ये इस प्रकार से हीट करके जो इनके पास ये सुम्बी वगैरह होती है इससे यहाँ पर ये निकालते हैं। अलग अलग हेड के अलग अलग होती हैं, देखिए ये इसकी गाइड है। अब यहाँ पर ये इसमें दूसरी लगाएंगे, यहाँ पर इसमें लॉक नहीं होता है, आप यहाँ पर एक बात नोट करें। तो यहाँ पर जो ये वाल गाइड है ये है JE कंपनी की TVS विक्टर न्यू मॉडल 3-piece स्टैंडर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास गाइडें हैं ये तीनों सेम होती हैं, और जो हमने इसमें ये वाल डाला है एग्जॉस्ट, यहाँ पर ये इसमें आ गया। और अभी यहाँ पर जो है जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पर जब हम इसमें इसको चेक करेंगे ये भी इसमें ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे में जब ये हेड के अंदर ठोक दी जाएगी तो यहाँ पर ये वाल इसमें ऑटोमेटिक काफ़ी टाइट हो जाएगा, तब इसको यहाँ पर जो है ग्रीमर के द्वारा इसको फ्री करेंगे ताकि इसमें माइनसी प्ले रहे। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको कैसे ये इसमें लगेगी। तो अब यहाँ पर जो है इस गाइड को यहाँ से घिसा लिया जाता है, देखिए ये घिसानी इसलिए ज़रूरी है ताकि हेड के अंदर प्रॉपर जा सके। तो यहाँ पर ये 4 mm का जो एक रिमर होता है ये इसके अंदर जो है इसको घुमाकर जो है इसको फ्री किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये 4 mm का है ये डिस्कवर 100 का और इसका सेम होता है, जैसे कि हमारी हीरो की बाइक है उसके अंदर 5 mm का लगता है और बजाज की बाइक में 5.5 का, जैसे कि हमारी प्लेटिना CT100 वगैरह ओल्ड मॉडल जिनके मोटे वाला हैं। तो ये रिमर इसमें लग जाएगा और यहाँ पर फिर बाद में इसको जो हमारा ये एग्जॉस्ट वाल है बड़े वाला इसको लगाकर रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे ये इनटेक वाल हैं ये तो सही हैं, इसकी गाइड नहीं कटी, तो सिर्फ यहाँ पर एग्जॉस्ट वाले की ही गाइड कटी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्ले हो चुकी थी।
तो यहाँ पर कटर के द्वारा इसको सेट किया जाता है, इसकी डिग्री तैयार की जाती है, क्योंकि जब ये दाएं बाएं हो जाती है तो उसको सेट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा वाल है, यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही जो है इसको ग्राइंड किया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्री होना ज़रूरी है, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो ऐसे में हमारा वाल सीज हो सकता है, ये आप नोट करें। यहाँ पर डायमंड कटर का जो है यूज़ किया जाता है सीट को तैयार करने के लिए, देख सकते हैं ये डायमंड कटर है, ये इसका कटर इसकी कटिंग करेगा, क्योंकि जो इनकी सीट जो होती है अब जितनी बाइक्स आ रही हैं बहुत ही हार्ड होती है, तो ऐसे में इसको सही करने के लिए इस कटर का यूज़ किया जाता है। तकरीबन इसका यूज़ तभी किया जाएगा जब इसमें गाइड वगैरह लगती है, वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ती जब हमारी गाइडें सही हों, वाल हमने डायरेक्ट जो है सिर्फ यहाँ पर ग्राइंडिंग करने हो, तो सिर्फ इसका यूज़ जब ये वाल गाइड लगे तभी जरूरत पड़ती है। देख सकते हैं ये होते हैं कटर, डायमंड कटर। तो अब यहाँ पर जो ये एमरी होती है इससे इसकी सीट को तैयार किया जाता है, ताकि यहाँ पर वाल हमारा सही तरीके से इसकी सीट पर बैठ जाए, यहाँ से कोई कंप्रेसर लीक वगैरह ना हो। यहाँ पर अभी जो एग्जॉस्ट वाल है हमारा इसी की ही गाइड लगी है, इसको पहले ग्राइंड किया जा रहा है, उसके बाद जो दोनों ये इनटेक है इनकी यहाँ पर ये ग्राइंडिंग होगी। तो भाई हमारा हेड कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके अंदर ये एग्जॉस्ट की गाइड लगवा दी है, और तो जो इनटेक वाले हैं ये बिल्कुल ओके थे, इनमें हमने यहाँ पर ये सिर्फ इनको ग्राइंड करवाया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारे खाद वाले होते हैं इसके अंदर ये गाइड वगैरह लगा देते हैं और हेड को ग्राइंड करके हमें देते हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारा हेड कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।